हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम फ्रैक्शनल नंबर की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। किसी भी एरिया का जो फ्रैक्शन है वो किस तरह से हम लिखते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर्स बनी हुई हैं और इनमें कुछ पार्ट शेडेड हैं और कुछ अनशेडेड हैं, तो हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, पूरे पिक्चर को 5 हिस्सों में बांटा गया है, उसमें से 1, 2, 3, 4 4 पार्ट शेडेड है। तो जितने शेडेड पार्ट हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स को नीचे, तो 4/5 ये फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से डी क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3 पार्ट्स शेडेड है तो 3 ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 नीचे। तो इस तरह से 3/8 हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन लिखना है हर एक ग्रुप में, तो 1, 2, 3 पार्ट शेडेड हैं तो 3 अपॉन टोटल पार्ट्स हैं 5। इसी तरह से 5/8 और 4/7 ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें जो फ्रैक्शन दिया है उतने पार्ट को शेड करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पार्ट में 3/8, तो 3/8 हमें 3 पार्ट्स को शेड करना है। इतने पार्ट को हम शेड कर देंगे 3 पार्ट्स को, तो ये 3/8 हो गया। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कॉलम मैच करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2 कौन सा है, ये वाला है, ये है 2/4 या 1/2 इसको हम बोलते हैं, और या फिर हाफ भी बोलते हैं। इसी तरह से 1/6 मतलब टोटल पार्ट 6 हैं और उसका 1 हिस्सा कलर्ड है। तो ऐसी कौन सी पिक्चर है जिसमें कि 6/12, तो ये 3/12 पहले इनके हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। ये है 3/12, ये है 2/10, ये है 3/9 और इसी तरह से ये है 1/10 और ये है 2/12। तो 2/12 मतलब 1/6 होता है, ये 1/6 मतलब 6th पार्ट। इसी तरह से बाकी के हिस्सों को भी हम मैच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें राइट द फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द अनशेडेड पार्ट। अनशेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना है कि क्या फ्रैक्शन बनता है। जैसे कि 3 पार्ट अनशेडेड है इसमें, तो 3/ टोटल पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 3/8 फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें न्यूमरेटर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे वाला हिस्सा बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8/20 तो 8 इसमें न्यूमरेटर है और 20 डिनोमिनेटर है। इसी तरह से बाकी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, ऑर्डरिंग करनी है, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि 2 पिक्चर बनी हुई हैं जिसमें कुछ पार्ट शेडेड हैं, तो हमें बताना है कि ये बड़ा, छोटा या इक्वल टू है, तो ये दोनों सेम हैं। इसी तरह नेक्स्ट में क्या है, ये 3 पार्ट अनशेडेड हैं और इसमें 2 पार्ट अनशेडेड हैं, तो शेडेड पार्ट का हम फ्रैक्शन लिखेंगे, तो इसमें होगा 7/9 और इसमें होगा 6/9। तो 7/9 बड़ा फ्रैक्शन होता है इसलिए ये बड़ा हो गया। इसी तरह से बाकी के फ्रैक्शंस को भी हम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो बच्चों जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन है। अब जैसे 4/6, इसके बाद 4/7, फिर 4/9 और फिर 4/10। तो 10 हिस्से के अगर हम 4 पार्ट को कलर करेंगे तो वो छोटा होगा, 9 हिस्से के 4 पार्ट को कलर करेंगे तो वो बड़ा होगा,
सेवन हिस्से के फोर पार्ट को करेंगे तो ये इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये सबसे बड़ा नहीं, ये छोटा, इस तरह से। दोबारा करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें 4/6, 4/7, 4/9 और 4/10, इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। पर हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें क्या करना है, इसका अपोजिट लिखना है। मतलब 4/10 सबसे पहले, फिर 4/9, फिर 4/7, फिर 4/6। इस तरह से हमने ये इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। इसी तरह से बाकी के फ्रैक्शंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, जैसे कि किसी भी फ्रैक्शन का पहले सबसे बड़ा वाला हिस्सा लिखेंगे तो जो कि 10/11 है, फिर उसके बाद 8/11, फिर 7/11 और फिर 5/11। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके बाद फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 3/7। इसी तरह से नेक्स्ट में ये हो गया 9/9, या जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने में जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करते हैं, तो 5-3 2, तो ये 2/8 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट में 2/7 हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।